एक और रोमांटिक सफर पर आज हम आपको ले चलने को तैयार। हाय हेलो, वेलकम टू द शो ओपन माइक विद म्यूजिक। मैं हूं आपकी होस्ट रफत और आज हम मौजूद हैं लखनऊ हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर। फिलहाल आज भी मौज मस्ती आज का सवाल होगा आपके बीच, लेकिन इस सफर में हम चलेंगे, बहुत सारे पड़ाव आएंगे। पहले स्टूडियो चलते हैं, वहां के कलाकारों को मिलवाते हैं और फिर लौट कर इस माइक के साथ आपके बीच आते हैं। इस सफर में आपका साथ चाहिए। स्टे कनेक्टेड टू ओपन माइक विद म्यूजिक। और देखिए, एक और मुसाफिर से हमारी मुलाकात होने जा रही है, बहुत ही क्यूट सी बच्ची। हाय, क्या नाम है आपका? ख्वाहिश। ख्वाहिश, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे प्यारी ख्वाहिश आपकी ज़िंदगी में क्या है तो वो कौन सी है?
एक्चुअली अभी तो मैं आईआईटी की तैयारी कर रही हूँ, तो बस वही निकल जाए वही तैयार। लेकिन पार्ट टाइम पे क्या हॉबी क्या है? हॉबी मेरी ऐसे कोई एग्जैक्टली हॉबी नहीं है, मैं बहुत सारी हॉबीज प्रैक्टिस करती हूँ, लाइक डांसिंग, सिंगिंग। तो कुछ सुना दो फिर कैमरा सामने। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ बेसब्रिया, 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 बेसब्रिया। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, ये बताइए, एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम चख नहीं सकते, और वो पेट में भी नहीं जा सकती, लेकिन जब बहुत गुस्सा आता है तुम खा लेते हैं? गुस्सा? नहीं। ओके, नहीं आया? नो आईडिया। ओके, आपका नाम? अंशिका। अंशिका, वो कौन सी चीज़ है जो कि मतलब पेट में नहीं जा सकती, हम देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, लेकिन गुस्सा आता है तुम खा लेते हैं? गेस गेस, आप भी सोचिए। नहीं आया? नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया है तो बस जवाब अपने पास रखिए। तो रिमझिम ये बताइए, क्वेश्चन है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे कि आप चख नहीं सकते, वो पेट में जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर गुस्से में हम लोग ना खा लेते हैं? खाते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते और पेट में नहीं जा सकते, पेट में नहीं जा, गुस्से में खा लेते हैं हम लोग, गुस्से में खा लेते हैं। 3, 2, 1, नहीं आया, नहीं आया जवाब। आपने भी बहुत सोचा होगा ना, माथा पच्ची की होगी। चलिए इसका जवाब मैं दे देती हूँ, सही जवाब है कसम। यस, गुस्से में हम कसम खा लेते हैं और यही सही जवाब। क्या नाम है आपका? Myself, तरुण लखनवी। अच्छा, तो घूमते फिरते आज आप हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं। हम कहीं से जाने के लिए कहीं निकलना तो पड़ता ही है। तो आपके अंदर क्या वो बात है जिसको कि आज आप दुनिया के सामने दिखाना पसंद करेंगे? मैम, एक्चुअली मैं, मेरे अंदर कुछ भगवान ने आवाजें डाली हैं, वो करीब 100 से ज्यादा हैं एक्टर्स की। तो दो चार हो जाए। तो शुरू करते हैं नवाजुद्दीन से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तमिल का, तेलुगु का, कन्नड़ का, भोजपुरी का, मलयाली का, मराठी का, सबका मूवी करेगा तेरा फैजल। अपन मूवी तो बात के बात है, पहले अपन चलता है शाहरुख खान के पास। हेलो शाहरुख भाई, ये सलमान बोले रहा है तू भाभी से डरता है? अरे रुक ना शाहरुख भाई, हे जब 11 मुल्कों की पुलिस मिलके मेरी हंसी नहीं रोक पाई तो तुम क्या मेरी साली लगते हो? भाई मैं खाली इतना पूछ रहा, ये सलमान बोले तू भाभी से डरता है, तुमको क्या लगता है नमाज मैं तुम्हारी भाभी से डरता हूँ? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अरे मैं तो उसका कहा एक नहीं मानता हूँ, वो दूध उबालने को बोलती है मैं चाय बना देता हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, वो झाड़ू लगाने को बोलती है मैं पोछा मार देता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। अभी कल की बात है, कहने लगी घर का झाला साफ हो जाना चाहिए, अरे मैं तुम्हें झाला साफ करने वाला लगता हूँ? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं तेरे को पंकज त्रिपाठी के पास लेके जाता है। हेलो पंकज भाई। ऐसा है नवाज, गुस्सा आज बहुत आ रही है, थोड़ा और गुस्सा दिलाओगे, आए दो टांगों पे हो लोटे में भेजे जाओगे, तुम तो छोटे से हो नवाज, कुल्हड़ में भी आ जाओगे। ठीक है चलो निकलो यहाँ से, बीवी को कुछ नहीं कह सकते। भाई ऐसा चिक चिक करती है वाइफ तो कुछ कहते कहे को नहीं? बोला ना बीवी को कुछ नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हो? तुम चांद तारे लाके भी कंधों में रख दोगे तो धनिया भूल गए हो बोल के बहुत हड़काएगी। कमाल कमाल कमाल, आई मीन पूरा आवाज का मैजिक बॉक्स है आप तो। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो ऐसा टैलेंट लोगों के बीच अक्सर हमें मिल जाता है जब भी हम उनके बीच माइक लेकर पहुंचते हैं। वेल, अगर आपके बीच हम नहीं पहुंच पा रहे और आप चाहते हैं कि अपने अंदर का टैलेंट हम तक पहुंचाएं, तो ज़रूर अपना भी वीडियो एक मिनट के अंदर का हमें भेजिए लैंडस्केप मोड में, जो कि मेल आईडी आपको नीचे दिख रही है, openmicwithmusic@gmail.com पर। फिलहाल तो ले चलते हैं सीधे स्टूडियो और फिर लौट कर आते हैं इसी माइक के साथ। स्टे कनेक्टेड। बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे।
बेहतरीन आज होने वाला है क्योंकि मेट्रो का सफर भी हम करेंगे मौज मस्ती एंटरटेनमेंट के साथ। और ये देखिए बातों ही बातों में सफर शुरू होने जा रहा है। और देखिए आगे बढ़ते हुए मेरी मुलाकात किसी से होने जा रही है। क्या नाम है आपका? उदय प्रताप सिंह। उदय जी क्या कहना चाहते हैं, कैमरा आपके सामने है। बहुत अच्छा लगता है मेट्रो में सफर करते हैं, मेट्रो कम्फर्टेबल होती है। गर्मियों में तो खासकर काफी ज्यादा आरामदायक सफर। जब आरामदायक सफर में कुछ गुनगुनाने का मन होगा जी बिल्कुल गुनगुना दीजिए। है दिल ये मेरा मुझे हर दम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा। और देखिए चलते चलते सफर में हमारी मुलाकात हो रही है कुछ लोगों से जो अपने अंदर के हुनर को दिखाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ओनिस। तो कुछ अपने अंदर टैलेंट रखते हैं, कुछ सुनाना चाहेंगे जी? मैम दो लाइन कह सकते हैं। कैमरा सामने है,
ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना आप इतने हंसी होते ना दिल आप पे फिदा होता। अरे बाबा क्या बात है, ये किसके लिए था? बस मैम सबके लिए यहाँ पर। अच्छा, स्पेशली आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है जितने भी मुसाफिर हैं वो सब हसीन हैं और बस इन हसीन मुसाफिरों के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और टैलेंट को आप तक पहुँचाते हैं। देखिए ऊंचे इरादे लेकर आज हमारे देश की लड़कियां जो है ना अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि मेरे बाएं तरफ जो लड़की हैं वो भी अपने ऊंचे इरादों को लेकर मंजिल की ओर बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी श्रीवास्तव। क्या कर रही हैं आजकल आप? एयर होस्टेस की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कर रही हैं तो इरादों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। इस बीच कुछ अंदर आपके अगर गुण है, टैलेंट है तो उसके बारे में अगर बताना चाहें आप? आई लव सिंगिंग। सिंगिंग ओके, तो कुछ भी सुनाना चाहती हैं आप तो सुना सकती हैं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना है दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। थैंक यू सो मच, बहुत ही ब्यूटीफुली आप तक पहुंचाया इन्होंने अपनी टैलेंट को। वैसे आपके अंदर भी अगर टैलेंट है ना तो बस आप ही पहुंचा सकते हैं नीचे दिए ईमेल आईडी पर। लैंडस्केप मोड में एक मिनट के अंदर अपना वीडियो शूट कीजिए और हमें पहुंचाइए। फिलहाल तो हम आपको पहुंचा रहे हैं स्टूडियो तक। स्टे कनेक्टेड। सफर हमारा चल रहा है और ऐसे ही घूमते टहलते
सफर में हमारी मुलाकात हो रही है नए नए लोगों से, और अब देखिए किनसे मुलाकात हो रही है। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवनाथ मिश्र है। अच्छा, तो कुछ आप कहना चाहेंगे अपने दिल की बात? कि आजकल हम देखें 21वीं सदी में जी रहे हैं और भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। एक तरफ हम आधुनिक शिक्षा भी चाहते हैं, दूसरी तरफ हम परंपरागत मूल्यों को संरक्षित भी रखना चाहते हैं, और दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। बेटी को हम शेरनी बनाना चाहते हैं और बहू को हमें गाय बनाना चाहते हैं। तो बहू मिले तो गाय की तरह मिले और बेटी शेरनी की तरह बने, ये दोनों चीज़ें एक फ्रेम में सेट नहीं हो सकती हैं। तो या तो आप तय कर लें कि अपनी बहू को ही, बेटी को ही गाय बना दें कि ताकि दूसरे के घर गाय के रूप में जाए, और नहीं तो फिर अगर अपनी बेटी को शेरनी बना रही हैं, जो आ रही है वह भी शेरनी हो और उसकी सास भी शेरनी ही मिले। सखी देख देख यार थकिया से सोभरनी नाही जाई, सखी देख देख यार थकिया सोभरनी नाही जाई, मेरी बाकी बाकी चितवन सिराज प्यारे तू, सिराज प्यारे तू, तेरी बाकी बाकी चितवनी सिराज प्यारे तू, सिराज। ये मग्न हो गई है। क्या नाम है आपका? रामोती। रामोती, मग्न होकर गाया आपने, बहुत बढ़िया। ये है जी आधुनिक ट्रेन में ट्रेडिशनल टच। और देखिए सफर में आगे बढ़ते हुए मुलाकात हो रही है हमारी अलग अलग लोगों से, और इस वक्त एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा है। तो निदा जी, कैमरा आपके सामने है, कुछ शौक अगर फरमाती हैं तो आप वहाँ तक पहुँचा सकती हैं। तो मुझे ऐसे गजल और शायरी सुनने का शौक है, तो मैं उसी को पेश करना चाहती हूँ। चांद भी क्या खूब है, ना सर पर घूंघट है ना चेहरे पे बुरखा, ना सर पर घूंघट है ना चेहरे पे बुरखा, कभी करवा चौथ का हो गया तो कभी ईद का तो कभी ग्रहण का, अगर अगर ज़मीन पर होता तो टूट कर विवादों में होता, अदालत की सुनवाई में होता, अखबारों की सुर्खियों में होता, लेकिन शुक्र है आसमान में बादलों की गोद में है, इसलिए ज़मीन में कविता और गज़लों में महफूज है। वाओ, जो इमेजिनेशन से रियलिटी में आपने चांद को बयां किया ना, अमेजिंग अमेजिंग। तो ऐसे ही लोगों से मुलाकात होती रहेगी हमारी इस सफ़र में, आप हमारा साथ ज़रूर देते रहिए हम सफ़र बनकर। स्टे कनेक्टेड। आज का ये सफर आपको बहुत पसंद आया होगा। इस सफर में एक से बढ़कर एक मुसाफिरों से मुलाकात हुई, उनके अंदर के टैलेंट को हमने आप तक पहुंचाया, आज का सवाल भी हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपको पसंद आया तो प्यार दीजिए openmicwithmusic@gmail.com पर। आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, अपना वीडियो भी भेज सकते हैं, और अगली बार फिर होगी मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।